एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफी जाना जाता था। उसके बनाए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, पर अब बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की जिंदगी आराम से गुजारी जाए। और वह अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ, कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसलिए उसे ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर वो कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। उसने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी यहाँ कोई नहीं पूरी कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। जी, क्या काम करना है, कारपेंटर ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए, ठेकेदार घर बनाने के लिए जरूरी पैसे देते हुए बोला। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर ये जानकर कि ये उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहां वह बड़ी सावधानी से लकड़ियां चुनता और काटता था, अब बस काम चालाव तरीके से ये सब करने लगा। कुछ एक हफ्तों में घर तैयार हो गया और वो ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर लिया है, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूँ, ठेकेदार बोला। हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाली से रहिए। कारपेंटर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को ही इतने घटिया तरीके से बना बैठा। काश मैंने ये घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। शिक्षा, कब आपका कौन सा काम किस तरह आपको प्रभावित कर सकता है, ये बताना मुश्किल है। ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमारा काम हमारी पहचान बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर एक काम अपनी क्षमताओं का सबसे अच्छा के साथ करें, फिर चाहे वो हमारा आखिरी काम ही क्यों ना हो। मुझे आशा है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के और कंटेंट देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार।